मध्य प्रदेश के रीवा में सिरमौर विधानसभा विधायक दिव्याराज सिंह ने डगडैया पंचायत में आंगनबाड़ी व सुदूर सड़क का भूमि पूजन किया। इसी के साथ विधायक ने सुदूर सड़क का शिलान्यास भी किया। देखिए, मध्य प्रदेश के रीवा में जवा जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डगमैया में सिरमौर विधायक दिव्याराज सिंह ने आंगनबाड़ी व डभोरा मुख्य मार्ग से महिलो गांव की जोड़ने वाली सुदूर सड़क का भूमि पूजन किया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में जवा मंडल अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, राजीव सिंह गोदहा, जितेंद्र सिंह जनपद के समन्वयक अधिकारी जितेंद्र सिंह रहे। सबसे पहले सिरमौर विधायक ने सुदूर सड़क का शिलान्यास किया। इसके बाद ग्रामीण जनता द्वारा सिरमौर विधायक दिव्याराज सिंह का माल्यार्पण द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन राजेश सिंह महिलो ने किया। सिरमौर विधानसभा के विधायक दिव्याराज सिंह ने कहा कि डगडैया पंचायत में कई वर्षों से सड़क की मांग रही है। इस सड़क मार्ग पर यहाँ के लोग कीचड़ से गुजरते थे। लोगों ने हमें इस सड़क की जानकारी से अवगत कराया। इस बात को लेकर मैं जनपद के अधिकारियों से बातचीत कर डगडैया से महिला संपर्क मार्ग के लिए सुदूर सड़क स्वीकृत कराया। हमारे सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री सड़क का जाल चारों तरफ फैला हुआ है। लगभग सभी गाँव को मुख्य मार्ग से जोड़ दिया गया है। पूरे प्रदेश के अंदर सिरमौर विधानसभा से ज्यादा प्रधानमंत्री सड़क किसी भी विधानसभा में नहीं बनी है। इस समय तराई अंचल की जनता बिजली की अघोषित कटौती से परेशान है, लेकिन आने वाले समय में अतरैला का विद्युत सब स्टेशन के बनने से लगभग बिजली की समस्या हल हो जाएगी। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर से बातचीत किया, जल्द से जल्द किसानों की समस्या का हल हो जाए। सिरमौर विधायक ने कहा कि तराई अंचल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बिजली, पानी, सड़क हमारी सरकार का प्रमुख मुद्दा है। इस मौके पर प्रमुख रूप से सरपंच कविता माझी, सचिव पूजा सिंह, सुशील सिंह ढेहिया, लालजी सिंह ढोडा, सूर्यबली सिंह डगडैया, शिवशंकर तिवारी अध्यक्ष युवा मोर्चा, पुनीत सिंह, हंसराज सिंह, रामपाल सिंह, मदरी राम मित्र शर्मा आदि बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।